हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज अम्मी इफ्तारी लगा रही हैं, ये लोग मिलके। आज मेरी छुट्टी है। अम्मा अच्छा भी लागत है बेटा, जो छुट्टी है तरह तो बहुत अच्छा लागत है। मम्मी आपको नहीं नीक लागत है? मम्मी अम्मा बोल रही मैं हूँ तो अच्छा लगता है ना, नीचे अच्छा नहीं लगता। अच्छा लागत है, छुट्टी रहती है, नीक लागत है, बहुत अच्छा लागत है बेटा। रोहान कहाँ चलोगा? रोहान अम्मा सो रहा है अभी। अच्छा, अभी आएगा वो, सो जाता है। हाँ, खाना खा के सो जाता है वो। बो ए आई तक गया, तक गया, तक गया, तक गया, तक गया, डिशम ए जे 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 डिशम। ओ ए रोहन, कैच 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 कैच, नीचे गिरा दिया। पिशुम पिशुम तो देखो, मैंने कल जब से वो ब्लॉग अपलोड किया ना, लास्ट ब्लॉग, उसके बाद से मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि कल दिन भर तो फिर आपको पता है टाइम मिलता नहीं है, और इफ्तार के बाद मैं निकल गया था एक मीटिंग के लिए, उसके बाद आने पर लेट हो गया, और फिर उसके बाद आज भी वही है। तो आज सुबह क्या इफ्तार है, तो यहाँ भी आजकल तामझाम इतना है नहीं, ऊपर ही है, तो अभी हम चले जाएंगे अभी ऊपर, है कि नहीं? चले जाएंगे हम ऊपर से, इतने आलसी परे में क्यों बोल रहे हो? आलस तो अभी आ ही रहा है आलस तो। बस अब इंतजार है कि जल्दी से तुम्हारी चीजें शुरू हो। उसके बाद है कि नहीं? बस इसका है, ये रोहन का ही है। रोहन का क्या है? चिया पुडिंग। हाँ, चिया पुडिंग। क्या फूफा चीजें आ गई है, हमारे टाइम पे ये सब हुआ करता था क्या? हमारे टाइम पे तो हम वो खाया करते थे सेरेलेक, सेरेलेक जो कलर में हुआ करता था, याद है? जो बड़े ज्यादा खा लेते थे शायद। हाँ, नहीं, और एज वाइज, मंथ वाइज कलर में ब्लू आता है वो सब, ब्लू रेड, मतलब दो महीने का, तो तीन महीने का, तीन महीने के बाद से शुरू होता है ना। हाँ। तो ती है तो ब्लू, फिर रेड, समथिंग ऐसे ऐसे। अभी भी आता है वो सब, ऐसा नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट मोर न्यूट्रिशनल थिंग्स जो आप घर पे फ्रेश बना के उसे दे सकते हो, जैसे ये उसके लिए फ्रेश चिया पुडिंग बन रही है कोकोनट मिल्क। चिया पुडिंग मतलब क्या? चिया पुडिंग माने चिया सीड्स। अच्छा, जो हम भिगोते हैं उसकी जो मैं पुडिंग, बिल्कुल नहीं खाता। जो आप बिल्कुल नहीं खाते, जो मैं आप, जिसका भाई मैं आपको जबरदस्ती पिलाती हूँ, सब्जा सब्जा। तो ये सो क्या रहे हो अभी? कुछ ज्यादा लेट नहीं हो रहे तुम रमजान में? क्या मतलब रोजे रखने का? स्कूल जाके आता हूँ तो बहुत ज्यादा, और आज थोड़ा खेल भी लिया था फुटबॉल, तो वो थोड़ा क्यों खेल लिया था? सारे लोग बोल रहे थे खेल लो, तो थोड़ी देर थकान हो गई। ठीक है। हाँ, कार्डमम पाउडर। कार्डमम पाउडर। तो आज मैं आपको रोहान की मिंग बता रहा हूँ, देखो। मेरा ये मिक्सर एक्सपायर हो चुका है, लॉकडाउन में लिया था। याद करो, याद है? पता नहीं, याद है। अमेज़न से ऑर्डर करके लॉकडाउन में लिया था। देखो, दूसरा है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है, मैं वेट कर सकती हूँ, लेकिन ना एक ये अपने घर में चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेवी ड्यूटी है। अपने घर में चाहिए मतलब?
मतलब एक ये भी अपने घर में चाहिए ऐसा। आपका खाना बन रहा है यहाँ पे आप? रोहन इज वेरी हैप्पी लाइक दिस। विल यू हैव चिया पुडिंग लाइक यस्टरडे? डिड यू लाइक इट? अब ये इसको पिएगा ऐसे? छानेंगे। दो दिन पहले तुमने बात की है ना? हाँ। रोहन के जो डॉक्टर हैं, लाइक जो डाइटिशियन जो फॉलो करते हैं, तो अभी दो दिन पहले ही कंसल्ट हुआ है। अब उसके एज के हिसाब से उसके अब थोड़ा उसके डाइट में चेंजेस आए। पहले सिर्फ खिचड़ी और खा रहा था और वो मैश पंपकिन वो सारी चीजें, फ्रूट्स, और अब वो पोरेज अलग अलग तरीके के, अब वो दाल चावल भी खा सकता है। नहीं हाँ। और वो बेसन नहीं हाँ, मूंग दाल का चीला भी खा सकता है। आज ओट्स का चीला खाया है सर ने ब्रेकफास्ट में, ओट्स चीला दही और पॉरिज, बनाना पॉरिज, ये सारी चीजें। तो और अब ये उनका इवनिंग स्नैक है। जैसे जैसे वक्त बदलते जाता है बहुत सारी चीजें बदलती जाती हैं। और बट आई थिंक एज लॉन्ग एज द बेबी एंजॉयज इट एंड द बेबी इज हेल्दी, मतलब वो बेबी उसे डाइजेस्ट कर रहा है और वो एक्टिविटीज में हेल्दी, ऐसे नहीं कि खाने पी कुछ भी खाने पीने के बाद उसे गैस हो रहा है, कॉलिक हो रहा है, बेचारा बच्चा रो रहा है, वो सब ना हो। और जो दो दिन में हमने नोटिस किया है कि वो बहुत हैप्पी है हेल्थ वाइज भी, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हैप्पी है, तो हम हैप्पी हैं। चलो हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं रुहान? शालियोपी के घर इफ्तार करने, है ना? है ना? हाँ चलो चलो, हमने पहन ली टोपी रुहान। हाँ चलो चलो, बस चलो चलो चल दीपी। हम कहाँ जा रहे? बुआ के घर जा रहे। हम आ गए जा जा लिया जा 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 सो के आए क्या? ये रोज कभी ना कभी ना किसी ना किसी की ट्रेनिंग कर लेता है रुहान ना, कभी अम्मी से कभी। ये हो गया जिसका बन रहा था पापा है डाल के। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ये आज की स्पेशल लस्सी है, किसने बनाई है? मैंने बनाई है। सनी ने, कोई बोले ना बोले, सनी पहले बोल रहा अच्छी बनी है, अच्छी बनी है, अच्छी बनी है। अब आप सही बता। हाँ ठीक है, सही बोलो, झूठ बोलो? अच्छी बनी है, वाकई में बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी। मतलब मोदा वाला जैसे बांधा में नहीं मिलती, हम स्टेशन जा कर बांधा के, मुझे अच्छी लगी। और ये दीपिका ने रुहान के लिए कुछ तो ऑर्डर किया था, ये टमी टाइम वाटर प्ले मैट समथिंग ऐसा कुछ होता है, और पहले ही दिन रुहान ने इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसको उल्टा लिटाओ, उस पे उल्टा लिटाओ। डोलकू ये क्या है? पानी अभी भरा है। अच्छा। ओ। ओ। फिशी का है, फिशी। देखो छोटी फिशी। पापा को दिखाओ। पापा येलो फिशी। अच्छ, अच्छ, अच्छ। रोहन हम नाई नाई करते हो, कैसे करते हैं? चुप, अब नहीं, ठीक है? टाटा। हम जिम जा रहे हैं, मस्ती नहीं, टाटा। ए नो मस्ती, टाटा बाय। क्या है ये?
इतनी समझ आ रही आपको, इतनी समझ आ रही है? इतनी समझ, हाँ इतने समझदार हो यार। आपको देखो देखो आ नाखून अटक गया, बापरे कैसे देखो टूटू हो गया नाखून। रुहान कहाँ जा रहे बेटा घूमने? हाँ कहाँ जा रहे? सुई लगवाने। सुई लगवाने मुझे देख रहा है, झूठ बोलती है। उधर से टाइट पकड़ना, फिर अभी मुझे घूमने जाना है। तो चलो आज की इफ्तारी होगी बाहर, क्योंकि आज इसका है वैक्सीनेशन डे। परसों था तो हम नहीं जा पाए, आज हम जाते हैं ताकि फिर हमें एक दो दिन और कुछ काम है तो वो भी हो जाएगा, ये डिले नहीं होगा इसका वैक्सीनेशन। आज सुई लगेगी है, अभी तो बड़ा को लग रहा है, मैं तो बड़ा, जा रहा हूं। अभी बड़ा एक्साइटेड है, उसको लग रहा है घूमने जा रहा हूँ उसको, लेकिन ये नहीं पता कि सुई लगेगी। चलो चलते हैं अभी। बाबा तो नहीं आवा, घूमी करने गई है। कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल। चले घूमने, चले चले घूमने, चले चले घूमने, चले चलो चले चलो बाय करो, चलो चल चले। वो तैयार हो गया ना तो उसको बस निकलना है। हाँ वही जा रहा है। छोड़ लग मो जाता बच्चा, छोड़ लग मो मैं रोई ना डाल थोड़ा सा रोई। वो झुंझुना रखा है इसका। हाँ हाँ चल एक चल आ जाऊँ ठीक है। हाँ अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। हो गया है इसका वैक्सीनेशन। आज बहुत रोया है ये, बहुत रोया। आज बहुत रोया है रुहान, है? अभी चुप हो गया। और देखो पीछे ये वाली गाड़ी, ये वाली सीट फोल्ड करके मस्त पीछे आराम से इसका बेड बना लिया हम। अब हम एच ही जाया करेंगे। हाँ? है ना? तो हम लोग बैंड्रा में है, ये हिंदुजा हॉस्पिटल वाली गली है। और आज से ठीक 9 महीने पहले 21st of June, आज 21st of March है, 21st of June को रोहान पैदा हुआ था और आज एग्जैक्टली 9 महीने हो गए हैं। एग्जैक्टली 9 महीने हो गए हैं इसको, आज इत्तेफाक से उसी रोड से वहाँ से निकलना हुआ है। तो मैं दीपिका को ये बोल रहा था कि आज से जस्ट 9 महीने पहले 21 को आज ही के दिन डिलीवरी हुई थी, यहीं पर थे। और रुहान को तुमने देखा भी नहीं था? मैंने नहीं देखा। हाँ बस वो एक बार जब वो हुआ हाँ, था हाँ, उसके बाद नहीं देखा था। NICU में अब तक नहीं मिली थी। नहीं मिली थी तो यस कैसे वक्त बीत जाता है। 9 महीने का हो गया, इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह। सो गया है रुहान अभी और इस ब्लॉग को मैं अभी एंड करता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं गया ना, तो आज मैं डाल दूँ। और इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये दिस ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट रुहान 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 रुहान। क्या करें, क्योंकि हमारी लाइफ में अभी उसके अलावा कुछ है ही नहीं, वही पूरा सेंट्रिक है, वही है। और अच्छा भी लगता है आप लोगों से शेयर करना, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं इसके साथ बचपने से, जब से आई थिंक बचपने से, और जब से ये पेट में था तब से आप सब लोग जुड़े हुए हैं। बस यही दरख्वास्त है आप सबसे कि आप सब लोग इसको दुआ में ज़रूर शामिल हमेशा रखिएगा, कि अल्लाह पाक इसकी उम्र लंबी करे, उसको सेहत में ज़िंदगी दे। और बस अभी फ़िलहाल ये सो गए हैं। मस्त हो गया है अभी, खाना खा लिया, पेट भर गया है, अभी सो गया है ये। यस अभी उस एज में है ना, किसी रोज़ एक नई नई हरकत होती है, जैसे वो टॉय मंगवाया, फिर इसका खाना नया नया स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करने की एक एक्साइटमेंट भी होती है। और आप सबका जिसने मुझे मैसेज किया है और जिनके मैसेज में नहीं पढ़ पाया हूँ, सब ने मुझे बहुत सारी विशेज दी है रुहान के 9 मंथ्स के लिए आज वो हुआ है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस याद से रुहान को हमेशा अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि अल्लाह पाक उसको बस अच्छा रखे और सबकी औलादों को अच्छा रखे, और जिनके अभी तक औलाद नहीं हुई तो अल्लाह पाक सबको औलाद से नवाजे। चलिए अभी 10 बज गया है, नहीं 9:40 है,
तो मैं इंशाल्लाह जल्दी से एडिट करके इसको मैं डाल दूंगा। जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आप करिए, सही चीज़ करें, जितनी बड़ी प्यार कीजिए, खुश रखिए, वक्त बताइए, हंसी मजाक कीजिए। रमज़ान का महीना है, दुआ करो जितना हो सके अच्छे काम करिए, वैसे भी करना चाहिए लेकिन रमज़ान में कोशिश करिए गलत काम और ना हो हमसे। तो रमज़ान का महीना सबको दुआ में याद रखिए, सबके लिए अच्छा सोचिए। अल्लाह हाफिज़।